हेलो दे। तो भाई लोग तुम लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो थंबनेल देख करके तुम लोग यही बोल रहे हो कि देखो भाई ये भी आ गया इधर इसको प्रपोज करने, तो ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। अपना ऐसा वीडियो बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सख्त लौंडा बनना। तो देखो यार, आज की वीडियो में तुम लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस कम्युनिटी से रिलेटेड, कम्युनिटी के लोगों से रिलेटेड और हाँ यहाँ के मसीहाओं से रिलेटेड। तो देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से दो चीजें बता दूं मैं तुम लोग को। पहली चीज, अगर तुम मैच्योर हो या फिर नहीं भी हो, तो अगर होना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर तुम नहीं हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लीव कर दो। बाद में ये मत बोलना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है? Wake up to reality. तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सुनीता प्लीज स्टॉप यार, अब कहीं तो रुक जा बहन, दया कर ले भाई। नेपाल वालों पर नहीं तो कम से कम इंडिया वालों पर तो कर ले यार, थोड़ी सी दया कर ले। तो देखो भाई लोग यार, आज की वीडियो में तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि मैंने इस गेम की हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? इस गेम में ग्लिचेस है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इस गेम की ओम जो है, इस गेम की जो स्नाइपर्स होती है वो एआर की तरह चलती है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये गेम पे टू विन है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इस गेम को बच्चे खेलते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब इस गेम की हर बेकार से बेकार अच्छी से अच्छी चीज को आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो देखो भाई लोग, आज ये कहकर के मैंने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। मतलब यहाँ के जो मसीहा है उनका 50% कंटेंट मैंने यही खत्म कर दिया है। मसीहा इन द सेंस जो ये बोलते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने आए हैं। भाई तुम लोग क्या प्रोटेक्ट करने आए हो मुझे ये बताओ पहले। इट्स जस्ट अ गेम, इस गेम को लोग खेलते हैं फन के लिए खेलते हैं, जो लोग वो फन के लिए खेलते हैं, जो लोग सीरियसली लेते हैं वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है? ई स्पोर्ट्स में पे टू विन होता नहीं है, तो इससे कोई पंगा लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है? तो भाई ये मसीहा जो है, ये जो मसीहा है जो अपने आप को बोलते हैं कि भाई ये जो मेरी कम्युनिटी है हम इसे बचाएंगे, नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? इन लोगों ने इस पूरी कम्युनिटी को युद्ध का मैदान बना रखा है। मतलब एक तरफ कोई अपनी सेना लेके खड़ा है, दूसरी तरफ कोई अपनी सेना लेके खड़ा है, और छोटे मोटे लोग कोलैब करके उन लोगों के साथ उनकी सेना में जुड़ रहे हैं और एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। बस यही चल रहा है यहाँ पर। देखो रियलिटी तो है, यहाँ पर सब लोग व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। देखो पहले, सबसे पहले आप उसको पे लो जिसका नंबर तुमसे थोड़ा ज्यादा है, और उसके व्यूज को अपने में ऐड कर लो, फिर धीमे धीमे ऊपर बढ़ते रहो, और जब तुम एकदम ऊपर पहुंच जाओ फिर अनाप शनाप कुछ भी बकने लगो, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस तो ये मानती है भाई भाई ने बोला तो सच्ची होगा। बस ये सीन है, भाई ने बोला तो सच्ची होगा, बस फिर तुम कुछ भी बोलो, उन लोग को क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है? बस किसी को ऊपर मत जान दो, अगर कोई दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो उसको गालियां दो और उसको नीचे उतार दो, उसका सारा सपोर्ट सिस्टम तबाह कर दो और बन जाओ मसीहा ऑफ द कम्युनिटी। देखो भाई, गालियां देने को मैं भी बहुत गालियां दे सकता हूँ, ठीक है भाई? गालियां सबको आती है और सबकी जबान होती है, सबको देना आता है, पर मैंने अपनी वीडियो में एक कसम खाई थी कि भाई अब से अपन गाली नहीं देंगे, तो भाई वो प्रण अपने जारी रख रहे हैं, इसलिए अपन गाली नहीं देते अपनी वीडियोस में। यहाँ के जो मसीहा लोग हैं वो ये बोलेंगे कि भाई देखो भाई, कल ये चीज़ आने वाली है, पहले से पता कर लेंगे कि ये आने वाला है, फिर बोल देंगे, और फिर जब वो चीज़ आ जाएगी फिर बोलेंगे देखा भाई जवान काली है मेरी। नहीं मतलब, अगर मैं रात को सोते टाइम ये बोल दूँ कि कल सूरज उगेगा तो क्या मेरी जवान काली हो गई? नहीं मतलब कुछ भी, हाँ नहीं मतलब दिखाएंगे तो ऐसे कि हम लोग को बड़ी चिंता है यहाँ की, इस कम्युनिटी के तो हम लोग पालनहार हैं, इस कम्युनिटी को हमारे बिना कोई बचा ही नहीं सकता, ऐसी एक्टिंग करते हैं। और भाई जब बात आती है सीरियसली कुछ कर दिखाने की तो ये लोग गायब हो जाते हैं, पता नहीं किस ग्रह पे चले जाते हैं। अभी बीच में भाई केसेस आए थे कि बच्चों सुसाइड कर लिए, ऐसे करके बच्चों ने डाके डाल लिए, तो सब लोग लग गए थे हैशटैग नो पे टू विन, ये वो फलां ढिकना। अब क्या हुआ भाई, जैसे कोई नई चीज आएगी सबसे पहले इन्हीं के अकाउंट में देखने को मिलती है। अब तुम्हारा पे टू विन कहां गया भाई? जब भी कोई नई चीज आएगी तो तुरंत खरीदे, तो कोई भी ईवो गन आएगी तुम्हारे पास आएगी, एंजेलिक पेंट आया तुम्हारे पास आ गया, क्यों? अब तुम्हारा पे टू विन नहीं, अब गेम पे टू विन नहीं हो रहा तुम्हारे लिए। कोई भी कैरेक्टर आएगा तुम तुरंत खरीद लेते, अब तुम्हारा गेम पे टू विन नहीं हो रहा। शर्म करो, शर्म। भाई उस टाइम पे मैंने भी प्रण लिया था कि मैं आपसे टॉपअप नहीं करूंगा गेम में, और 8 महीने होने आए हैं भाई लोग, सच्ची बता रहा हूँ मैंने टॉपअप तो किया, वो 30 रुपए का एड्रॉप आता ना वो भी करना छोड़ दिया है। तुम लोग मेरे गेम प्ले को देख सकते हो, मैंने उस दिन प्रण लिया था कि मैं कोई भी कपड़े यूज नहीं करूंगा, कोई भी गन स्किन नहीं यूज करूंगा, और मेरा गेम प्ले तुम लोग अभी देख सकते हो, एकदम नॉर्मल कपड़े और विदाउट गन स्किन, ठीक है? क्योंकि भाई देखो, अपन जो चीज बोलते हैं ना वो करते हैं, इन मसीहाओं की तरह नहीं कि बस बोल दिया व्यूज आ गए बस भूल गए सब कुछ। मतलब इन लोगों को सिर्फ एक चीज करनी आती है, हर चीज पे युद्ध कर डालो, कोई भी चीज हो जाए युद्ध चालू, अनलिमिटेड ग्लू वॉल युद्ध चालू, पे टू विन युद्ध चालू, ई-स्पोर्ट्स युद्ध चालू, बस यही मसीहा बनना है बहनों के भाइयों को। बस भाई मसीहा के नाम पर सिर्फ लोग को एक ही चीज आती है, गालियां देना, कुछ भी हो जाए गालियां दे दो, झगड़ा हो जाए गालियां दे दो, बस किसी से पंगा हो जाए गालियां दे दो, किसी को रोस्ट क्रिटिसाइज करना है उसको गालियां दे दो, बस भाई यही तो होती है रोस्टर की कीमत, अलग ही लेवल की चम्मच चाहिए सबके सब। पर भाई लोग यार रियलिटी तो ये, जब तक तुम्हारे पास नंबर नहीं, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए भाई अपन को भी अब नंबर इंक्रीज करने हैं, और उसमें तुम लोग मेरी मदद करने वाले हो, क्योंकि भाई देखो यार, जब तक तुम लोग मदद नहीं करोगे तब तक अपने आगे बढ़ेंगे कैसे। पर एक बात मैं तुम लोग को लिख के दे सकता हूँ, तुम लोग से वादा कर सकता हूँ कि एक बार अगर अपन ऊपर जाते हैं
तो भाई मैं कभी भी इन लोग की तरह नहीं बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई लोग अपन इधर मसीहा बनने नहीं आए इस कम्युनिटी का, अपन से इधर अपनी जगह बनाने आए और जगह बनाकर बस अपने धूम मचाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को डिफरेंस पता है बुलिंग और क्रिटिसिज्म के बीच का। तो अगर भाई लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे न्यू हो जाए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड बटन है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, दबा दो भाई लोग और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर जरूर ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मुझसे बातें बातें या फिर मस्ती करनी तो आ जाओ उधर। तो मिलते उधर ही और मिलते ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में। टिल देन बाय। What can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter.